नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं आज के राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं अभी हम आज का दिन के बारे में बात कर लेते हैं। आज दशमी मंगलवार का दिन है और मंगल का दिन हनुमान जी का दिन होता है और बजरंग बली का अगर आज के दिन हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो उससे विशेष लाभ मिलता है। और हनुमान जी का जो मेन मूल मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हनुमान जी जो है कितना भी बड़ा व्यक्ति के ऊपर कष्ट आ जाए उसको जो है तुरंत जो है उसका समाधान कर देते हैं। तो हनुमान जी जो है कलयुग के अंदर जो है अमर हैं, अजर हैं, अभय हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं और इस संसार को सुख देने वाले हैं और सबसे जल्दी जो प्रसन्न होते हैं वो हनुमान जी ही होते हैं इस कलयुग रूपी सागर में। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं उनको विशेष करके लाभ की प्राप्ति होती है। आज के दिन बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना विशेष करके फायदेमंद रहता है या लड्डू का भोग आप लगा सकते हैं और हनुमान जी को जो है बर्क भी आज के दिन लगाना चाहिए। इस साल के जो राजा हैं वो बुध हैं, मंत्री जो है शुक्र हैं और आज का दिन आपके जीवन के लिए उत्तम रहे उसके लिए आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है और मंगल जिनकी राशि है उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा हो सकती है। आज के दिन आपको मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान करना चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मंगल अभी नीच राशि में होकर के बैठे हुए हैं। तो मंगल का मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। शत्रु पक्ष से घबराएं नहीं, जो निर्णय आप लेना चाहते हैं आज के दिन उसको ले डालें, हनुमान जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर रहेगी। धन के हिसाब से आपका आज का दिन बेहतर रहने वाला है और अचानक से कहीं से कुछ पैसा भी प्राप्त आपको हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में व्यक्ति जब जीवन शुरू हुआ हमारा तो कहते हैं कि हमने 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, बिलियन और ट्रिलियन जो भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं आता पर हम रुपये की बात कर लेते हैं, हमारा रुपया अग्रसर हो रहा है आपके जीवन में। आप धन खर्चा करें पर विशेष चीज़ों पर करें तो जिससे कि आज का दिन आपके लिए उत्तम रहे। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के सितारे क्या कह रहे हैं आज के दिन। वृषभ राशि वालों के लिए काफी बढ़िया रह सकता है आज का दिन और वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है 12वें भाव में होने के कारण आपका खर्चा काफी ज्यादा अधिक होगा। विशेष कार्यों में, अच्छे कार्यों पर धन खर्च का योग भी आज के दिन आपका बन रहा है। गुरु राहु भी 12वें भाव में जो आपका ओवर एक्सपेंस करा सकता है परंतु धन की स्थिति मजबूत रहेगी। अच्छी वाणी का प्रयोग करें, मधुरता अपने अंदर लाएं, गुस्सा क्रोध ना करें, आक्रोश ना करें, आक्रोश से नुकसान हो सकता है। और यात्रा के लिए, किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए समय बड़ा उत्तम चल रहा है, ट्रैवल से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी प्राप्त हो सकता है आज के दिन। और गुप्त दिए गए धन किसी को जो आपने गुप्त दिया धन है वो भी वापस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में इस वक्त जो है सूर्य विराजमान हो गए हैं और सूर्य के आने से मिथुन राशि वालों को काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होने का संभावना बन रही है। भाग्य स्थान में शनि बैठे हुए हैं, धन की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। किसी घनिष्ठ मित्र से मुलाकात होने की संभावना भी बन रही है और आज का दिन विशेष करके आपके पूरे परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आज का दिन मन मोहक चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और किसी भी प्रकार के मद से जो है दूर रहें। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तो काम क्रोध मद और लोभ इसको त्याग दें तो आपका जीवन अच्छा और उत्तम रहेगा आज का दिन। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्र है, भगवान शिव की उपासना करें, मन को कंट्रोल करके चलें, संयम बना के रखें, अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करें और एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा। हमारी इंद्रियों को बैलेंस करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करने से विशेष लाभ रहेगा। धन के हिसाब से काफ़ी अच्छा योग बन रहा है,
विद्या और बुद्धि का सही प्रयोग करने की जरूरत है आज के दिन आपको, क्योंकि आपकी विद्या बुद्धि जो है अच्छी तो है, परंतु केतु के कारण मानसिक पीड़ा, मानसिक संतुलन आपको बिगड़ रहा है। डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं, सुबह उठते ही क्लैपिंग करें और घर में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लें या सुन लें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? सिंह राशि वालों को मित्रों दोस्तों से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में काफी सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की बात भी चल सकती है। किसी नए व्यक्ति विशेष से मिलने से आपके कार्य की सिद्धि हो सकती है और सूर्य मंत्र का जाप और मंगल मंत्र का जाप जरूर कर लें, उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है आज का दिन, और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो जो दें त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो जो आदमी लक्ष्मी को खर्च करता है उसके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जो खर्च नहीं करता, कंजूसी से जीता है, उसके पास धन की कमी आ जाती है। तो कन्या राशि वालों के लिए धन का अभाव नहीं होगा, धन की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हो सके तो अपनी हेल्थ पर बहुत कॉन्सेंट्रेशन करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योग करें, उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। आज का दिन काफी उत्तम है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए उनके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी बदनामी करने की कोशिश कर सकते हैं, तो तुला राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए और अपनी कनिंग बुद्धि का प्रयोग करके गुप्त शत्रुओं से बचना चाहिए। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, धन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, परंतु सप्तम भाव में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, अगर आपकी कोई प्रेमिका है तो आपको धोखा दे सकती है, पत्नी से भी कोई धोखा प्राप्त हो सकता है। तो आप जो है आज के दिन जो भी फीमेल कैरेक्टर आपका दोस्त है, या मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उससे सावधान रहने की अत्यधिक आवश्यकता है आज के दिन जिनकी तुला राशि है। परंतु बजरंग बली का करेंगे ध्यान, सभी बनेंगे काम, माँ दुर्गा की उपासना भी करते रहें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी बढ़िया रहने वाला है आज का दिन। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं, हनुमान जी हैं, बजरंग बली की पूजा करने से विशेष लाभ रहेगा। कहते कि चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे, तो माँ दुर्गा जो है चंड मुंड को संहारती है। तो गुरु जो है अभी अतिचारी हो गए हैं और शनि भी जो है वक्री गमन करने वाले हैं। तो कहते हैं कि अतिचार गते जीवे शनो वक्रत भागते हाहा भूतम गत्तव्य रुंड मुंडा च मेदनी, अर्थात जो भी ग्रह अतिचारी हो रहे हैं, बृहस्पति देवता, शनि भी मार्गी हो रहे हैं, वक्री होकर के मार्गी होने की कगार पर जा रहे हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको बड़ा सावधानी से कदम जो है फूक फूक के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रतिपक्षी लोग आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं। पर कहते हैं कि एक अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, तो आप अपनी सत बुद्धि का प्रयोग करें, अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करें, ध्यान करें, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके उन पर जो है प्रहार करें। अगर किसी का ज़्यादा सहोगे तो वो आपको और ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे, और अपने कार्य में निपुणता जो है बना करके रखें, और हनुमान जी का करते जाएं ध्यान, शिव की करते जाएं उपासना, बनते जाएंगे सभी काम जिनकी वृश्चिक राशि है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों का किस प्रकार का रहेगा आज का दिन? धनु वालों के लिए भी काफी बढ़िया रहने वाला है। आपको किसी ज्ञान की खोज में, नए ज्ञान की खोज में ज्ञान प्राप्ति का योग बनेगा। मित्रों दोस्तों सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है। मित्र दोस्त आपके लिए हितकारी रह सकते हैं। जीवन में उत्तम श्रेणी का सुख भी प्राप्त हो सकता है आज के दिन। भाग्य चार चांद लेकर के आ रहा है, भाग्य कर्म और लाभ की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सुखमय और आनंद में रहेगा। आज के दिन आप प्रतियोगिता में किसी में
पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, क्योंकि मकर राशि के ग्रह के हिसाब से अगर हम देखें तो आज का दिन आप अपनी माँ को प्रसन्न करें, माँ का आदर करें, पिता का आदर करें, बुजुर्गों का आदर करें, तभी आपको जीवन में सुखद समाचार प्राप्त होगा आज के दिन भी। और अड़ोसी पड़ोसी से बिल्कुल भी झंझट ना पालें, और खींचा तानी लोग कर सकते हैं आपके साथ तो आप किसी के साथ भी खींचा तानी से दूर रहें, मन को कंट्रोल करके चलें, उससे विशेष लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में शनि विराजमान होकर के बैठे हुए हैं तो कुंभ राशि वालों को धन की, प्रतिष्ठा की, मान की वृद्धि का योग रहेगा। मित्रों दोस्तों से छोटा मोटा जो है विरोधाभास हो सकता है। हेल्थ में गुप्त स्थान में कोई रोग होने की संभावना हो सकती है, और खाने पीने की चीज़ों में मिर्च का, मसाले का प्रयोग कम करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। पेट का खास तौर से काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, फूड पॉइजनिंग का डर भी हो सकता है जिनकी कुंभ राशि है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए धन की स्थिति काफ़ी मजबूत रह सकती है, धन का आगमन हो सकता है। नित्य कर्म के बाद जो है पूजा पाठ देव अर्चना करने से विशेष लाभ रहेगा। अगर हो सके तो अपने पितरों और पूर्वजों का ध्यान करें, ओम पितृभ्यो स्वादिभ्यो नमः पर पितृभ्यो देवभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। गीता का और गायत्री मंत्र का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि जो व्यक्ति गीता का और गायत्री का पाठ करता है उसके पितर अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। और गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है भगवान उसका जो है साथ देता है। तो परमात्मा की शक्ति अगर आपको चाहिए तो अच्छे कर्मों पर लगें, जिससे कि जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो। आपका जो साक्षात जो राशि स्वामी गुरु है तो आपको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाकर ज्ञान को बांटना चाहिए, और ज्ञान और वैभव बटेगा जीवन में तो जीवन में आनंद भी आएगा। और किसी गरीब बच्चे की शिक्षा पर अगर धन खर्च कर देते हैं, कुछ उसको किताब कॉपी दे देते हैं, तो उससे विशेष लाभ रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से किताबें तो दी जाती हैं परंतु कॉपी नहीं मिलती, तो किसी भी एक क्लास को आप एडॉप्ट करें, उसमें किताब कॉपी का दान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। कहते हैं कि ज्ञान को बढ़ाओगे तो ज्ञान बढ़ेगा, लक्ष्मी को बढ़ाओगे तो लक्ष्मी बढ़ेगी, और जिस ऊर्जा पर आप फोकस करोगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। राष्ट्र हित की सोचें, देश हित की सोचें। कहते हैं कि अपने लिए तो जीते हैं लोग, परंतु जो दूसरों के लिए जिए उसे इंसान कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य संजय शर्मा।